हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान रसोई। आपको टाइटल से समझ में आ गया है ना, आज मैं आपको ज्वारी की रोटी बहुत इजी प्रोसेस आपको बताऊंगी। आप थोड़ा भी फिक्र नहीं करना है कि कैसे बनाना है ज्वारी की रोटी, बहुत टफ है। नहीं, मैं आपको आसानी से सिखा दूंगी और साथ ही साथ मैं आपको सिखाने वाली हूँ बैंगन का भरता। हाँ, बैंगन का भरता ज्वारी की रोटी का सुपर रहेगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए, टेस्टी टेस्टी बैंगन का भरता और बहुत स्मूथी स्मूथी ज्वारी रोटी, घट बिल्कुल नहीं रहेगा, बहुत स्मूथ रहेगा। प्रोसेस में जाएंगे, इसके लिए चाहिए ना 2 ग्लास आटा ले रहे हैं, तो आप 2 ग्लास पानी उबाल लीजिए। उबालने के बाद अगर आपको पसंद है तो थोड़ा सॉल्ट डाल दीजिए, अगर नहीं तो आप ऐसे ही पका सकते हो। ज्वारी रोटी आम से ना ये बिना नमक से ही बनाते हैं, अगर आपको पसंद है तो थोड़ा नमक डाल दीजिए दोस्तों। तो 2 ग्लास पानी मैंने उबाल लिया और 2 ग्लास आटा भी डाल दिया। देखिए, ये स्टोव पर ही है, इस तरह आपको मिलाना है। ये पक्का प्रोसेस है, आप जबरदस्त रोटी बना सकते हो, बहुत बहुत फुलके वाली रोटी बना सकते हो। और आपको हाथ से बनाने की रोटी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट बेलन से बना सकते हो दोस्तों। इस तरह बना लीजिए और 5 मिनट्स के लिए अलग से रख दीजिए। ये बहुत गर्म रहेगा ना, इसलिए 5 मिनट्स के लिए ढक्कन लगा के रख दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर जैसे मैं आपको प्रोसेस दिखा रही हूँ, अगर आप इस तरह ज्वारी रोटी बनाओगे ना, मैं कह रही हूँ पक्का पक्का आप बहुत बहुत प्रोफेशनल के तरीके की जैसे रोटी बनाना सीख लोगे। बहुत ईजी है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से आप बना सकते हो। देखिए ना, इसको गूंदना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, माने थोड़ा गर्म तो रहना है दोस्तों, ये थोड़ा गर्म रहना, देखिए ना, इसको अच्छे से मल लीजिए। इसको ना आटा को मलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी जाके हमें एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी आएगी। वो भी जैसे हम लोग फुलके बनाते हैं ना, उस तरह भी आप बना सकते हो, एकदम से फूलेगा। मैं बताऊंगी, देखिए देखिए ना, ये छोटे छोटे पीसेस बना लीजिए। जैसे आपको जितना बड़ा रोटी बनाना है या छोटा रोटी बनाना है, इसके पोर्शंस कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप एक रोटी बना रहे हो, बाकी के जो पेड़े हैं उसको ढककर रखना है। क्यों? ये जो गर्म है आटा, उसको बरकरार रखना पड़ेगा, ताकि ना हम जो रोटी बनाएंगे बहुत आसानी से ये रोटी फैलेगी बिना टूटे, है ना। तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, इसको थोड़ा मलना इम्पोर्टेंट है। मैं क्या करती हूँ ना, ज्वारी को धोकर सुखाकर फिर चक्की में पिसाती हूँ। ऐसा करने से ना आपको ज़बरदस्त रोटी मिलेगी मिलेगी, और हेल्दी भी बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है ज्वारी की रोटी। गेहूँ की रोटी अक्सर कहते हैं कि डायबिटीज़ के लिए सही नहीं है। अगर आप चाहो तो ज्वारी रोटी इस तरह बना लो, बहुत ईजी है फ्रेंड्स। ज्वारी रोटी बनाना, बाप रे, बहुत टफ है, ये नहीं होगा, ये टू नो 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 नो, आप आराम से बनाओ। मैं हूं ना, मैं आपको सिखा रही हूँ ना, बहुत इजी है। देख रहे ना, सिर्फ आटे को थोड़ा इस तरह गूंदने के बाद हाथ से दबा दीजिए। और क्या, आप जैसे रोटी बनाते हो ना, इस तरह देखिए, कहीं टूट रहा है क्या? कहीं भी नहीं टूटेगा। आपको पता है क्या, मैंने भी बहुत बार ट्राई किया था, तब जाके मैंने इस तरह ट्राई करा तो एकदम से फटाक से रोटी बन गई, है ना। मैं आपको सिखा रही हूँ, ज्वारी रोटी बहुत इजी है, आप डेली भी ये रोटी बना के खा सकते हो। गेहूँ की रोटी के बजाय आप ज्वारी की रोटी खाइए तो बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। अगर कोई गर्ल्स, कोई बॉयज भी, अगर आप डाइटिंग करना चाहते हो और अपने डाइट को कंट्रोल करना चाहते हो और फैट कोलेस्ट्रॉल को बरकरार रखना चाहते हो, तो ज्वारी रोटी इजी बेस्ट। देखिए ना, कितना बड़ा रोटी बन गया है, कहीं टूटा नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। और इसमें हम लोग तेल घी बिल्कुल नहीं लगाएंगे। देखिए, पानी का छीटा इस तरह डालकर पानी से ही बना रहे हैं रोटी। ज्वारी की जो रोटी है वो इस तरह पानी से ही पकेगी। देखिए ना, कितना पतला पतला है, और इसमें ना तेल डालेंगे ना घी डालेंगे। लेकिन हाँ, जब ये पक रहा है, थोड़ी टाइम तो लगेगा, हम प्यार तो देते हैं, है ना, रोटी को भी देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छे से ये पकना है। कहीं भी कच्चा कच्चा रोटी बिल्कुल नहीं रहना है दोस्तों। इसको दबाते हुए, पानी का छींटा डालते हुए, आप देखिए कितना अच्छे से फूल रहा है ना, इस तरह फूलना है दोस्तों। देखिए, एकदम से फूलेगा, जैसे आपकी रोटी फूल रही है ना। तो इस तरह आप सारे रोटी बना लीजिए दोस्तों, बहुत बहुत ईजी है ये ज्वारी की रोटी बनाना। हाँ, थोड़ा साइड एंड साइड से इस तरह दबा दीजिए ताकि ये अच्छे से फूल सके। देखिए ना, बहुत पतली है रोटी, है
एकदम से पतला रोटी आप जब बनाओगे, ये थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। देख रहे ना, इस तरह ये सिर्फ पानी का छींटा लगा दीजिए और उलट पुलट कर दीजिए, थोड़ा सेक लीजिए। और ध्यान रखे कि जब भी हम लोग पेड़ा बनाते हैं उसको अच्छे से मलना है, देखिए ना, बहुत अच्छे से मलना है, एटलीस्ट 2 मिनट्स तक मल लीजिए। मैं जो ये तरीका बता रही हूँ ना, बहुत ईजी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से बना सकते हो। इसलिए तो मैं कहती हूँ ना, ये है इजी इजी ज्वारी की रोटी, बहुत आसान है दोस्तों। देखिए कहीं भी टूट नहीं रहा है, इसको आराम से बेल लो आप, हाथ से करना ही नहीं है, बेलन से फटाफट आप बेल लीजिए, जैसे आप रोटी बनाते हो गेहूं की या फुलका बनाते हो, इस तरह बना के आप रोटियां बना लीजिए और सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां बनाकर हेल्दी हेल्दी फैमिली के लिए परोस दीजिए। हाँ, इसके कॉम्बिनेशन में आप दाल का तड़के का भी खा सकते हो, लेकिन ये बैंगन का भरता माशाल्लाह सुपर रहेगा दोस्तों। बैंगन, बड़ा सा बैंगन ले लीजिए, अच्छे से धो लीजिए और उसमें तेल डाल दीजिए, डालकर इसको अच्छे से तेल हर तरफ लगना है बैंगन को। हाँ, ये बैंगन इधर उधर डुलता है ना, इसलिए अच्छे से लगा लीजिए। और इसको हम लोग जलाएंगे, जलाने का प्रोसेस हम लोग के पास तो गैस है, उसी के ऊपर तो जलाना है। तो आप कुछ कुछ भी ऐसा छन्नी वाला इस तरह स्टील का ले लीजिए और उसको अच्छे से जला लीजिए, पूरा जलना है दोस्तों, साइडों से ऊपर नीचे इस तरह। हाँ, हम लोगों को पता है ना, बैंगन डुलता है, इधर उधर डुलता है, ज़्यादातर बैंगन थाली का बैंगन कहते हैं ना, तो जो उधर कहीं इधर ऐसे जाने वालों को भी हमें कहते हैं थाली का बैंगन, है ना। चलिए, ये बैंगन तो अच्छा जल गया है, इसका हम लोग छिलका भी निकाल देंगे। तेल लगाने से क्या होगा ना, छिलका आराम से निकल जाएगा दोस्तों, आप जस्ट इस तरह पील कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। वो पील करके हम लोग अलग से रख देंगे। अभी क्या करेंगे ना, 2 टेबल स्पून तेल लेना है, मैं यहाँ ले रही हूँ तिल का तेल। तिल का तेल ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, है ना। अगर आप डाइटिंग कर रहे हो, वेट लॉस के लिए देख रहे हो, तो तिल का तेल यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए। आपको पता है ना, मैंने ऑयल्स भी बताया आपको, उसमें डालूंगी राई, जीरा, चने की दाल, उड़द दाल और लहसुन डाल के अच्छे से इसको भून लीजिए। चने की दाल और उड़द दाल ना क्रंच टेस्ट देगा हमें ये भुरते में, ठीक है ना। तो लहसुन को अच्छे से इसको भून लीजिए, लहसुन रेड होना है दोस्तों, तभी जाके इसका जो अरोमा है, लहसुन का जो टेस्ट है उभर के आएगा। और साथ ही में 1 प्याज, 4 हरी मिर्च डाल दीजिए। अगर आप कम खाते हो तीखापन, इसमें कम कर सकते हो हरी मिर्च, लेकिन भुरते के लिए तीखा रहना है ना, थोड़ा खट्टास चढ़ जाएगी, है ना। तो इसमें थोड़ा हल्दी डाल दिया मैंने, हल्दी डालकर अच्छे से भून लीजिए। और थोड़ा हींग, बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये तड़के में हींग डालना बहुत ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बताना बात भूल गई कि आज से ना मैं पिंक सॉल्ट ही यूज़ कर रही हूँ। ये पिंक सॉल्ट डाइटिंग के लिए, वेट लॉस के लिए, हार्ट के लिए, हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छा है दोस्तों। आप स्टार्ट यूजिंग पिंक सॉल्ट ना, बहुत अच्छा है। इसके साथ 1 टमाटर को बारीक से कट कर लिया और टमाटर भी मैंने डाल दिया। हम लोग ना एक बैंगन ले रहे हैं तो 1 टमाटर काफ़ी है दोस्तों, ठीक है ना। टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से मैश कीजिए, जब पक रहा होगा ना, आप स्पून से भी थोड़ा मैश कर दोगे तो वो आराम से नरम हो जाएगा। तो इस तरह पकने के बाद आप इसमें बैंगन, देखिए मैंने अच्छे से छिलका निकाल लिया है इसका। निकालने के बाद इसका जो ऊपर का जो पार्ट होता है, जो बैंगन का, उसको कट कर दीजिए और ओनली बैंगन का जो हमें जो फ्लैश है ना, वो जो पका हुआ वो ही डालेंगे। देख रहे हैं ना, पूरा अच्छे से कट कर दिया मैंने, पील भी कर लिया। बस 1 टमाटर 1 प्याज 1 बैंगन, आप 2 बैंगन ले रहे हैं तो 2 टमाटर ले लीजिए, 1 प्याज काफ़ी है। देखिए ना, इसको अच्छे से मैश कर लीजिए, ये बैंगन का भरता बहुत टेस्टी रहेगा। आजकल ना अभी अवेलेबल है ये बड़े बड़े बैंगन, आप देखोगे तो क्या याद आएगा आपको, मुस्कान रसोई पाठशाला का बैंगन का भरता, पक्का कह रही हूँ। इस तरह बना लीजिए, बहुत टेस्टी रहेगा दोस्तों, रोटी के लिए तो सुपर रहेगा। आप राइस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो ये भरता बैंगन का, है ना। तो इस तरह मैश कर लीजिए, जो हम लोगों ने बैंगन डाला है ना, वो और टमाटर अच्छे से मैश होना है। मैश होने के बाद हम लोग ना 1 टेबल स्पून मिर्ची का पाउडर भी डालेंगे, थोड़ा और तीखा होना है। और थोड़ी सी इमली का पल्प निकाल लीजिए, ज़्यादा पानी मत डालिए दोस्तों, ज़्यादा देर इसके पकने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट 2 से 3 मिनट्स तक ये पक जाएगा। जब खट्टा डाल दोगे
ढक्कन लगा लीजिए और इसमें धनिया के पत्ते डाल दीजिए। हो गया, ये देखिएगा मजेदार मजेदार, वाव, सॉफ्ट सॉफ्ट ज्वार की रोटी बैंगन के भरते के साथ। इसमें ना प्याज और हरी मिर्च, अदरक डालना मत भूलिए, अदरक के टुकड़े का क्रंच, प्याज का क्रंच, जबरदस्त टेस्ट देगा फ्रेंड्स। सुपर टेस्टी टेस्टी ज्वार की रोटी बैंगन का भरता, कैसा लगा? पसंद आया ना? फिर मिलूंगी और एक एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिएगा मुस्कान रसोई पाठशाला। अल्लाह हाफिज़।